हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम नार्सिसिज्म के बारे में देखेंगे। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ईगो के ऊपर कि ईगो क्या होता है और किस तरह ईगो के वजह से हम सफ़र करते हैं, ज़्यादा ईगो होने की वजह से किस तरह हम सफ़र करते हैं अपने लाइफ में। अब उस वीडियो में मैंने ये भी मेंशन किया था नार्सिसिज्म के बारे में कि जिन्हें बहुत ज़्यादा ईगो होता है, इन्फ्लेटेड ईगो का जो स्टेट होता है, जिनका ईगो बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें नार्सिसिज्म होता है। अब इस वीडियो में हम नार्सिसिज्म के बारे में देखेंगे कि रेड फ्लैग्स क्या है, वो ट्राइट्स क्या है जिसे हम पहचान सकते हैं कि उन्हें नार्सिसिज्म है, उन्हें बहुत ज़्यादा ईगो है। इन्हें जनरली हम नार्सिसिस्ट कहते हैं। ये लोग हो सकता है आप अपने जॉब्स में, फैमिली में, रिलेटिव्स में इन लोगों के साथ सराउंडेड हो। इन्हें बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्पॉर्टेंस वाला स्टेट होता है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस समझते हैं दूसरों के आगे। इन्हें ऐसे लगता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इन्हें बहुत ज़्यादा डीप एडमायरेशन चाहिए होता है। इन्हें बार बार लगता है कि लोग इन्हें एडमायर करें, बाहर से इन्हें बहुत ज़्यादा एडमायरेशन मिले, और इनको कंपैशन और एम्पैथी नहीं होता है। ये दूसरों के लिए कंपैशनेट नहीं होते हैं, दया भाव इनके अंदर नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईगो के इल्यूजन में होते हैं। तो जनरली वो जो ईगो वाला स्टेट है, ये थोड़ा बहुत ईगो हम सबके अंदर होता है, बट जब ईगो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इन्फ्लेटेड हो जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा हम सेल्फिश हो जाते हैं और हम अपने आप के बारे में इतना सोचते हैं कि हम दूसरों के फीलिंग्स और नीड्स को भूल ही जाते हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं तो हम कई बार दूसरों के फीलिंग्स को हर्ट करना चालू कर लेते हैं, दूसरों के लिए हम कंपैशन नहीं रखते हैं। तो जब ऐसे स्टेट आ जाता है तो जनरली हम वो नार्सिसिस्ट की कैटेगरी में आने लग जाते हैं। जब हम बहुत ही एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम में काम करने लगते हैं हम अपने लाइफ में, तो कई बार ऐसे लोगों के साथ रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब हम ये देखते हैं वो रेड फ्लैग्स क्या है, जो साइंस क्या क्या है, ट्राइट्स क्या क्या है जिन्हें हमें पता चल सकता है कि वो लोग नार्सिसिस्ट हैं। जब भी आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ अपनी लाइफ में मिलते हो, तो जब भी किसी न्यू रिलेशनशिप इनके साथ स्टार्ट कर रहे हो या पहली बार इनके साथ आप मिल रहे हो, तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लगेंगे, बहुत ज़्यादा चार्मिंग लगेंगे, और एक करिश्मा होता है इनके अंदर। बहुत ईजीली इनका जो चार्म होता है उसमें बहुत इजीली लोग इनके जाल में फंस जाते हैं, और तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं, चार्मिंग लगते हैं, इनका सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा दिखता है, जबकि होता नहीं है, पर बहुत ज़्यादा इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बाहर से दिखता है। तो जब भी आप इनके साथ मिलते हो तो बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है, और जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है बहुत ही अच्छा होता है। जैसे जैसे रिलेशनशिप प्रोग्रेस होना चालू होता है तो इनकी क्वालिटीज़ बाहर दिखने लग जाते हैं, और जब भी आप इनके साथ कुछ बात करते हो और अपने फीलिंग्स आप इनके साथ बात करते हो, अपनी लाइफ के बारे में, अपने फीलिंग्स और अपने नीड्स के बारे में इनके आगे कुछ बात करते हो, तो ये कन्वर्सेशन अपने आप पे ले लेते हैं, घूम फिर के ये सिर्फ अपने आप के बारे में ही बोलना चालू कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये एक ट्रायड है कि ये सिर्फ अपने आप के बारे में ही सुनना पसंद करते हैं, और ये अपने आप के बारे में कभी भी बुरा सुनना पसंद नहीं करते हैं। इन्हें सिर्फ इनके इनको ऐसा चाहिए कि इनकी कोई तारीफ़ करे, इन्हें कोई एडमायर करे, कि अगर कोई गलतियाँ भी है, वो अगर कोई पॉइंट आउट करता है तो वो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है कि कोई इनके फ्लॉज इन्हें पॉइंट आउट करे, कोई इनकी गलतियाँ इन्हें बताए। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ही एंगर प्रॉब्लम्स से ये लोग गुजरते हैं। अगर आप इनका कोई गलती बताओगे इन्हें, तो इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और आपको चिल्लाने लग जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं कि इनके बारे में कोई कुछ गलत कहे, अपने बारे में गलत सुनना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
है। नेक्स्ट है गैस लाइटिंग, जो एक टेक्निक है जो जनरली ये लोग अपने विक्टिम के ऊपर यूज़ करते हैं, गैस लाइटिंग टेक्निक। तो जो लोग नार्सिसिस्ट होते हैं इन्हें बहुत ही ईजिली ये टेक्निक को यूज़ करते हैं वो लोग। ये लोग ये टेक्निक यूज़ करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप ही गलत है, सारी गलतियाँ आपकी है, और आप एक तरह का कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने पूरे रियलिटी को क्वेश्चन करने लगते हैं। जब भी आप इनकी गलतियाँ इनको बताते हैं तो ये आपको ही ब्लेम कर लेते हैं। तो ये जनरली टेक्निक वो यूज़ करते हैं कि इस तरह से आपके साथ ये कम्युनिकेशन करेंगे कि पूरी गलतियाँ ये आपके ऊपर ही ब्लेम कर लेंगे। तो इस तरह से ये एक तरह का इल्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि आप पूरे अपने रियलिटी को ही क्वेश्चन करने लगते हो और अपने आप को ही ब्लेम करने लगते हो कि आपकी ही गलती होगी, आप ही गलत हो, और आप अपने आप को ही ब्लेम करना चालू करते हो और फिर उनको आप सॉरी सॉरी बोलना चालू करते हो, एपोलोजाइज करना चालू करते हो उनके साथ ही, जबकि इसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं। और तो ये इस तरह से ये टेक्निक यूज़ करते हैं, गैस लाइटिंग कहते हैं ये टेक्निक को। इमोशनल मूड स्विंग्स इन्हें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो लोग नार्सिसिस्ट होते हैं इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी आपके साथ बहुत स्वीटली बिहेव करते हैं, बहुत चार्मिंग बिहेव करते हैं, या फिर कभी इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो एक अनप्रेडिक्टेबल एटीट्यूड रहता है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स इनके हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स से ये लोग गुजरते हैं और बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करने लगते हैं चीज़ों को, किसी को एडमायर करते हैं या किसी बड़ी पर्सनालिटी को ये बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे, या किसी की ब्यूटी ये बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे, या किसी सक्सेस को ये बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे। तो ये पूरा दिन कुछ ना कुछ फैंटेसाइज करते रहते हैं और इन्हें मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होता है, इनका बर्ताव बहुत ही चेंज होता रहता है, इमोशनल ड्रामा वाला स्टेट हरदम इनके साथ रहता है। आप अगर इनके साथ सराउंडेड रहते हो पूरा दिन तो इमोशनल रोलर कोस्टर राइड के साथ आप पूरा दिन गुजरते हो। नेक्स्ट है ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं लोगों को। जो मैनिपुलेट एक टेक्निक होती है, जब हम अपना काम निकालने के लिए लोगों को यूज़ करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, तो इन्हें ये बहुत ज़्यादा आता है अच्छे से। अगर इन्हें आपसे कुछ चाहिए या किसी तरह का फिज़िकल सेटिस्फैक्शन चाहिए या किसी तरह का इमोशनल नीड है इनकी या किसी तरह का फाइनेंशियल नीड है कि इन्हें आपके साथ कुछ चाहिए, कोई इनको अपनी नीड आपसे कुछ पूरी करनी है, तो ये मैनिपुलेशन करना चालू करते हैं, मैनिपुलेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। और ये बहुत आसानी से जानते हैं कि किस तरह से लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपकी वीकनेसेस इन्हें पता है, जो आपके शॉर्टकमिंग्स हैं, आपके वीकनेसेस इनके साथ आपने कभी शेयर की है, डिस्कस की है, तो उन वीकनेसेस को ध्यान में रख के ये आपको मैनिपुलेट करना चालू करेंगे, आपको कंट्रोल करना चालू कर लेंगे। और अब जैसे इनकी खुद की वो नीड सेटिस्फाई हो, तो जैसे ही उनकी वो नीड फिर पूरी हो जाती है, तो फिर ये अचानक से आपके लाइफ में डिसअपियर हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, और फिर अगर आप इन्हें कॉल भी करोगे फिर ये बहुत बहाना बनाना चालू करेंगे कि बहुत ज़्यादा बिजी है, इन्हें टाइम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्यूज़ बनाना चालू कर लेते हैं और झूठ बोलना चालू कर लेते हैं आपसे, क्योंकि अब उनकी वो नीड पूरी हो चुकी है। और फिर जब भी इन्हें वो नीड पूरी करनी है तो फिर आपको आपके पास आएंगे और फिर से आपको किसी ना किसी तरह का बहाना बनाएंगे और फिर आपको मैनिपुलेट करना चालू कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, अगर ये तरह के ट्रायड्स आपको दिख रहे हैं, ये सब वो रेड फ्लैग्स हैं जिसे आप पहचान सकते हो कि आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ अपने लाइफ में सराउंडेड हो और आपको उस तरह संभलना है, इनके साथ अपनी वीकनेसेस शेयर नहीं करनी है, अपने जो कमज़ोरियां हैं इनके साथ शेयर नहीं करनी है, क्योंकि इन्हीं कमज़ोरियों का वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और फिर आपको यूज़ करके आपको छोड़ सकते हैं। इससे एक टेक्निक ये लोग यूज़ करते हैं जिसे हम साइलेंट ट्रीटमेंट कहते हैं, कि ये कई बार आपके मैसेजेस को रिप्लाई नहीं करेंगे, किसी तरह की हेल्प चाहते हैं इनके साथ, आप इन्हें मैसेजेस कर रहे हैं
तो ये उन्हें रिप्लाई नहीं करते हैं, आपके कॉल्स नहीं उठाते हैं, जिसकी वजह से आप एक इमोशनल पेनफुल सिचुएशन में आ जाते हो। आप बार बार इन्हें ऑब्सेस करने लगते हो, बार बार इनके पीछे पड़ने लगते हो, और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अचानक से जब ज़रूरत का टाइम आता है तभी ये लोग आपको कभी भी हेल्प नहीं करते हैं। तो ये साइलेंट ट्रीटमेंट से टाइम टू टाइम देते हैं कि कई बार ये कुछ महीनों तक, कुछ हफ्तों तक आपको रिप्लाई करना छोड़ देते हैं, या गुल हो जाते हैं कहीं पर भी, डिसअपियर हो जाते हैं, और फिर अचानक से जब इनको ज़रूरत पड़ती है तभी आपके पास आते हैं। तो ये टेक्निक वो लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हुवरिंग टेक्निक। ये भी एक टिपिकल ट्रायट है नार्सिसिस्ट का कि ये हुवरिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। अब ये वो टेक्निक होती है कि ये बहुत ज़्यादा आपको स्वीटली अचानक से बात करना चालू करेंगे, और जब भी इन्हें अपना कोई नीड का टाइम आएगा, फिर से इन्हें अपने आपसे कुछ चाहिए रहता है, किसी तरह का अपना डिज़ायर फुलफिल करना है, या किसी तरह का फाइनेंशियल या इमोशनल नीड या किसी तरह का फिजिकल नीड इन्हें आपके साथ चाहिए, तो ये हुवरिंग करना चालू करते हैं। फिर से ये आपके साथ ऐसा इंप्रेशन लगाएंगे कि अब बहुत ज़्यादा सुधर गए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं ये लोग, और फिर से ये गलतियाँ फिर से नहीं होगी, फिर से ये आपको धोखा नहीं देंगे। तो बहुत ज़्यादा आपसे स्वीटली बिहेव करना चालू करते हैं, आपको गिफ्ट्स देंगे, आपको प्रेजेंट्स देंगे, और बहुत ज़्यादा आपके साथ स्वीटली बिहेव करेंगे, जैसे फिर से आप इनके जाल में आ जाओ और फिर से आप उनकी वो नीड फुलफ़िल करो। तो बहुत ज़्यादा चार्मिंग बिहेव करेंगे। तो ये हुवरिंग टेक्निक है जो जनरली ये लोग यूज़ करते हैं। अब रिलेशनशिप जो होता है, जो जनरली गिविंग और रिसीविंग के डायनामिक से चलता है, गिविंग और रिसीविंग से रिलेशनशिप चलना चाहिए। जब भी कोई अनबैलेंस वाला स्टेट हो जाता है, जब आप देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, और सामने से आपको कुछ रिटर्न में नहीं मिल रहा है, आपके इमोशंस वेस्ट हो रहे हैं, और आप अपने आप को यूज़ हो रहे हैं, कोई आपको कंटिन्यूसली यूज़ करते ही जा रहा है, करते जा रहा है, कोई आपको अब्यूज़ कर रहा है, या आपको कोई फिजिकली यूज़ कर रहा है, या कोई आपको इमोशनली यूज़ करते जा रहा है, और आप कंटिन्यूसली ये इंसान आपको यूज़ ही कर रहा है, और सामने आपको कोई आपको कुछ रिसीव नहीं हो रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है इस इंसान से, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस रिलेशनशिप में जल्द से जल्द बाहर निकलना है और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट होते हैं जनरली एनर्जी सकर्स होते हैं, ये इन्हें हम एनर्जी वैम्पायर्स भी कहते हैं, कि ये लोग आपका एनर्जी पूरी तरह से ले लेंगे, आपका एडमायरेशन ले लेंगे, और आप पूरा दिन कंफ्यूजन में ही रहते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे लाइफ में ये सब क्या हो रहा है। तो इनके आसपास भी अगर आप रहते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा टायरिंग लगता है, कंफ्यूज रहते हो कि रिलेशनशिप प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, और कंटिन्यूसली बैड लक से ही आप सराउंडेड रहते हो, कुछ भी ठीक नहीं चलता है लाइफ में अगर आप इनके आसपास रहते हो तो, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में रहते हो, आपको ऐसा लगता है कि ये आप रिलेशनशिप में देते ही जा रहे हो, और सामने से वो इंसान आपके इमोशंस नहीं समझ रहे हैं। अगर आपकी कोई सक्सेस भी होती है, अगर आप इनके साथ अपनी सक्सेस भी शेयर करते हो, तो ये लोग बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं, खुश नहीं होते हैं ये लोग आपकी सक्सेस पर। तो अगर आप ऐसे किसी इंसान के साथ सराउंडेड हो अपने लाइफ में, तो आपको ध्यान देना है। ये लोग जनरली सिर्फ बहुत स्वार्थी होते हैं, अपने आप के बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं, और ऐसे एनर्जी ड्रेनिंग लोगों के साथ, ऐसे लोग जो आपके कंटिन्यूसली आपकी एनर्जी सक कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको सराउंडेड नहीं रखना है। तो आपको ध्यान देना है, अगर ये सारे रेड फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं, अगर ये सारे ट्रायड्स आपको दिख रहे हैं, अब सारे ही ट्रायड्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो कुछ चीज़ें जनरली हम लोग देखते हैं वो नॉर्मल है, बट जब सारे ही चीज़ें आपको देख रहे हैं, और आपको अपना इंट्यूशन यूज़ करना है, अगर आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अगर आप कंफ्यूजन में है किसी रिलेशनशिप में, और आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको वो सोचना चाहिए कि ये सब ट्रायल्स आप देख सकते हैं, और जितना हो सके आप दूर ही रहो ऐसे रिलेशनशिप में। क्योंकि रिलेशनशिप जो होता है वो जनरली गिविंग और रिसीविंग के बेसिस पर चलता है। अगर आपको लगता है कि आप रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालते ही जा रहे हो, देते ही जा रहे हो,
और सामने से आपको कुछ मिल नहीं रहा है और कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है रिलेशनशिप का, तो ऐसे रिलेशनशिप में टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि जैसे आपको हेल्प हो सके, आप वो कुछ ट्रायड्स देख सको, और अगर आप ऐसे किसी इंसान के साथ बहुत सालों से हो, किसी न्यू रिलेशनशिप में ऐसे किसी इंसान के साथ हो, या बहुत सालों से आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें आप बहुत ही तकलीफ़ महसूस कर रहे हो टाइम टू टाइम, और बहुत ही डिफ़िकल्ट महसूस कर रहे हो इस रिलेशनशिप में रहना, तो ये वीडियो आपको हेल्प कर सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को पहचानो, जानो, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचो और इस रिलेशनशिप से आप बाहर आ सको। अगर किसी तरह का हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे ईमेल आईडी पर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, नमस्ते।